हेलो माय डियर फैमिली। तो यार कैसे हो आप सब भाई, आपका आ चुका है एक और नया एपिसोड लेके। दिस इज एपिसोड नंबर 57। तो चलो बिना इधर उधर की बातें किए हमेशा की तरह आते हैं सीधा मुद्दे पे। भाई आज का फर्स्ट अपडेट है टाइगर 3 मूवी की रिलीज डेट को लेकर, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ फैंस दो ग्रुप में जरूर से डिवाइड हो गए हैं भाई। जिनमें से एक ग्रुप चाहता है कि ये मूवी 10 नवंबर को रिलीज हो जाए, यानी कि दिवाली के 2 दिन पहले, और उन्हें जल्दी से देखने को मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस टाइम पर वर्ल्ड कप भी चल रहा होगा, तो ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी, ये तो सीधी सी बात है, और इसका मूवी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। और दूसरा फैन ग्रुप जो है वो चाहता है कि टाइगर 3 मूवी दिवाली के अगले ही दिन यानी कि 13 तारीख को रिलीज होनी चाहिए, ताकि जो फेस्टिवल की छुट्टियां लोगों को मिले उसमें पब्लिक भर भर के मूवी देखने जाए और मजे करे यार। अब इसके मेकर्स कौन सी डेट सिलेक्ट करेंगे ये तो ट्रेलर आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन आप क्या चाहते हो, कौन सी डेट पर ये मूवी रिलीज होनी चाहिए, कमेंट्स करके जरूर से बताओ। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये न्यूज भी बाहर आ रही है कि स्टूडियो इस मूवी को 13 नवंबर को ही रिलीज करने का प्लान कर रहा है, लेकिन इसका अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है, अभी अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। ये अपडेट है विजय सेतुपति को लेकर, जहां उन्होंने अपनी नेक्स्ट मूवी में तेलुगु एक्ट्रेस कृति शेट्टी के साथ काम करने से मना कर दिया। अभी इस खबर को लेकर पहले तो फैंस विजय सेतुपति पर बहुत सारे सवाल उठाने लगे है कि पॉपुलैरिटी को मिलते ही ये भाई साहब अब नई एक्ट्रेस को छोटा समझने लगे है क्या। लेकिन उसके बाद विजय सेतुपति ने इस चीज को अच्छे से क्लैरिफाई किया। वो इसीलिए काम नहीं करना चाहते है क्योंकि इससे पहले उन्होंने कृति शेट्टी के साथ एक फिल्म की थी जिसका नाम था उपेना, और उस फिल्म के अंदर विजय सेतुपति ने कृति शेट्टी के फादर का किरदार निभाया था, और इसीलिए विजय सेतुपति कृति शेट्टी को अपनी डॉटर की तरह ही मानते हैं, और वो कृति शेट्टी को अपनी फिल्म के अंदर किसी भी तरह से रोमांटिक वे में अप्रोच नहीं कर सकते हैं, और इसी रीजन की वजह से उन्होंने कृति शेट्टी के साथ काम करने से मना कर दिया। जब तक वो उनके साथ उनकी फिल्म के अंदर मेन एक्ट्रेस के तौर पर होगी वो उनके साथ काम नहीं कर सकते। अब ये सुनने के बाद फैंस का मन परिवर्तन हो गया, और उस न्यूज के कमेंट सेक्शन के अंदर सब लोग रिस्पेक्ट विजय सेतुपति बार बार लिखने लगे, और तो और बॉलीवुड एक्ट्रेस को निशाने पे ले लिया और उनके ऊपर गरियाने लगे कि बॉलीवुड एक्ट्रेस को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, वो तो अपनी आधी उम्र से भी कम उम्र की एक्ट्रेस के साथ रोमांटिक सीन्स कर लेते हैं बड़े आराम से। यार अब आपका इसके ऊपर क्या कहना है ये आप कमेंट में बता देना कि आपको क्या सही लगता है क्या गलत लगता है। मेरे हिसाब से बात करें तो यार इस केस में सबकी अपनी अपनी चॉइस है, सबका अपना अपना गलत है, सबका अपना अपना सही है, और अगर प्रोफेशनली देखे तो ये जरूरी नहीं है कि आपके सामने वाला एक्टर एक्ट्रेस कौन है, कितनी उम्र का है, आप बस अपना काम सही से करो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। लेकिन अगर आप पर्सनल लेवल पर किसी के साथ कोई रिश्ता बनाते हो लाइक डॉटर, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे सीन करने में झिझक तो होती है। अपन आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट पर। तो ये अपडेट है एक वेरी पॉपुलर और ट्रेंडिंग यूट्यूबर अंकित बयानपुरिया को लेकर, जिन्हें आप जरूर से जानते होंगे इनके बहुत ही हेल्दी और ऑथेंटिक कॉन्टेंट की वजह से। एक्चुअली ये वही है जिन्होंने 75 हार्ड डे चैलेंज की शुरुआत की थी और फिर पूरा देश इन्हें फॉलो करने लगा। तो इन्होंने हाल ही में रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू दिया जो कि काफी ट्रेंडिंग होने लगा, जिसमें इन्होंने अपने डिसिप्लिन और डेडिकेशन को लेकर बहुत कुछ रिवील किया और बताया कि कैसे ये अपने हेटर्स के साथ डील करते हैं, जो कि हमें अपनी लाइफ में जरूर से सीखना चाहिए। सो आई रेकमेंड कि आप उस पॉडकास्ट को एक बार जरूर से देखें। अपना नेक्स्ट अपडेट है वरुण धवन के अपकमिंग प्रोजेक्ट VD18 को लेकर। तो अगर आप हमें रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि ये मूवी डायरेक्टर एटली की थेरी मूवी की रीमेक होने वाली है, लेकिन इस मूवी के अंदर डायरेक्टर एटली एज अ प्रोड्यूसर इन्वॉल्वड है। तो हाल ही में वरुण धवन ने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर इस मूवी के सेट से एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने इस मूवी की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया, वो भी एक क्रिएटिव वे में, जहां इन्होंने इस मूवी के सेट का वाईफाई नेम और पासवर्ड शेयर किया। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि जो पासवर्ड है वही एक्चुअली इस मूवी की रिलीज डेट है, तब की 31 मई 2024। और ये कोई मेरी पर्सनल थियोरी नहीं है, इंटरनेट के ऊपर सब कुछ रिवील हो चुका है। वैसे तो अभी इस मूवी को आने में बहुत ज्यादा टाइम है, अपडेट का सिलसिला तो ये चलता ही रहेगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहना, हम आपको हर एक चीज बताते रहेंगे भैया टाइम टू टाइम। नेक्स्ट अपडेट है अपकमिंग धमाके लियो को लेकर। तो खबर ये है कि लियो अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर है, काम चल रहा है भाई, लेकिन थालापति विजय अपना डबिंग पोर्शन पूरा करने के बाद एक बार इस फिल्म को देखना चाहते थे, तो उनके लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ और उन्होंने फिल्म को देखा और वो लोकेश कनगराज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए। जरा सोचो अभी तो काम पूरा भी नहीं हुआ है, अब जब इसका फाइनल वर्जन आएगा तो कैसा होगा ये सोचकर हमसे रहा नहीं जा रहा है भैया। लोकेश कनगराज यूनिवर्स की इस फिल्म के अंदर कौन सा कनेक्शन कहां पर जोड़ा जाएगा इसको देखने के लिए हम क्या सब लोग बहुत बेकरार है। और इस क्रेज के बवंडर के साथ रिलीज होने वाली है टाइगर श्रॉफ की मूवी गणपत, जिसके मार्केटिंग में बहुत ज्यादा डील दी जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि गणपत
जलपथ को लियो के साथ और इस स्ट्रेटेजी के साथ रिलीज करना सही रहेगा या फिर ये मेकर की बहुत बड़ी गलती साबित होगी। टाइगर श्रॉफ के फैंस अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो भाई लोग कमेंट सेक्शन के अंदर और जहां जहां पर भी आप कमेंट कर सकते हो कमेंट करो और डिमांड करो टीजर ट्रेलर की। एनीवे आज का लास्ट अपडेट है सलमान खान की भांजी अलीजे अग्निहोत्री को लेकर, जिन्हें सलमान खान खुद लॉन्च कर रहे हैं फेरी मूवी के साथ। जिनके डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है और लीड एक्टर कौन है ये तो बहुत जल्द रिवील हो जाएगा। जैसे अब समझ में आया कि कुछ दिन पहले सारे के सारे सेलिब्रिटीज फेरी फेरी क्यों पोस्ट कर रहे थे भाई अपने सोशल मीडिया के ऊपर। भाई का मैसेज गया होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर फेरी फेरी हो जाना चाहिए, सब लोग पोस्ट करो, और सबको पता ही है कि भाई ने बोला करने का तो फिर करने का। वैसे आपका इसके ऊपर क्या कहना है भाई कमेंट करते रहना। आज की बातें अपन यही तक रखते हैं, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, आपके फैमिली ग्रुप्स के अंदर, आपके दोस्तों के ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। दिस इज जेएस एंड यू आर वॉचिंग जेएस टेक सिनेमा। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, जय हिंद।